हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नवीन सिरवी, न्यूरोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर। आज हम नेशनल एपिलेप्सी डे पे एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी जिसको आम भाषा में मिर्गी, दोरे, तान, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग नामों से बोला जाता है, तो एपिलेप्सी के मुख्य कारण क्या होते हैं? ज्यादातर केसेज में, ज्यादातर एपिलेप्सी के मरीजों में यह अज्ञात कारणों की वजह से होती है, और जिसमें ज्ञात कारण होते हैं उसमें मुख्यतः दिमाग में चोट लगना, दिमाग में ट्यूमर या स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक या इन्फेक्शन या कुछ जन्मजात विकृतियां होती है, उसकी वजह से ये दौरे आ सकते हैं। जब भी दौरा आता है तो उसके केयर गिवर या घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए? जब भी कोई दौरा आता है तो घबराए नहीं, उसको मरीज को साइड में करवट लिटाए और ध्यान रखे कि मरीज के मुंह में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे चम्मच, उंगली या ये नहीं डाले, और मरीज को जितना जल्दी हो सके आपको नियर बाई अस्पताल में लेके जाए। उसके अलावा यदि कुछ स्प्रे या कुछ मेडिसिन आपको पहले से उस मरीज को चल रही है तो जैसा डॉक्टर ने बताया है वैसे उसको उसी टाइम यूज किया जाना चाहिए। उसके अलावा एपिलेप्सी को अपन कैसे पता करते हैं? जैसे एपिलेप्सी का दौरा आता है उसके बाद उसका डायग्नोसिस का क्या तरीका है? नॉर्मली इसके लिए हमें दिमाग का स्कैन करना पड़ता है जिसमें सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जांचें होती हैं। उसके साथ ही हमें एक ईईजी जांच होती है जो दिमाग में विद्युत की जो तरंगों को डिटेक्ट करती है और उसमें असामान्य विद्युत की उत्पत्ति को पता किया जाता है। इसके साथ ही हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से एपिलेप्सी का इलाज किया जाता है, तो एपिलेप्सी के इलाज में सबसे पहले तो कारण पता करना होता है। सबसे पहले दौरा कंट्रोल हो जाने के बाद उसके कारण को पता करते हैं। कारण को पता करने के लिए हमने एमआरआई और ईईजी करना होता है। उसके बाद जो भी कारण होता है उसी हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। जैसे यदि ब्रेन में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है, यदि ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे केसेस में जिसमें अज्ञात कारणों से एपिलेप्सी होती है उसमें दवाइयां डॉक्टर अपने विवेक से जो भी दवा चालू करनी होती है वो दवा शुरू करते हैं। उसके अलावा यदि कुछ जन्मजात विकृति है तो उसमें परमानेंट दवाइयां लेनी होती है। कुछ मरीजों में जिसमें अच्छे कंट्रोल हो जाते दौरे उसमें दवाइयां बंद भी हो सकती है, पर बहुत सारे मरीजों में दवाइयां ताउम्र लेनी भी पड़ती है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना अपन को दवाई अपने हिसाब से बंद नहीं करनी होती है। एपिलेप्सी के मरीजों में घर वालों को विशेष क्या ध्यान रखना होता है? जैसे एपिलेप्सी का कोई भी मरीज है तो उसको अपन को खुले में, खुली छत पे नहीं छोड़ना है, आग के पास नहीं बैठने देना है, गहरे पानी में नहीं, क्योंकि गलती से भी यदि दौरा आ जाता है तो वो वहां पे दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इन मरीजों को ड्राइविंग भी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दवा लेते हुए भी यदि कभी दौरा आ जाए तो इसके साथ ही दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा समाज के लिए क्या संदेश है कि ये एपिलेप्सी को समाज में बहुत सारे लोग एक तरह से भूत प्रेत या फिर ऊपरी हवा का साया मानते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक दिमाग की बीमारी है जिसमें पर्टिकुलरली जो विद्युत की असामान्य उत्पत्ति की वजह से दौरे आते हैं, जिसको दवाइयों से या सर्जरी से या जो भी है उससे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और कुछ लोग इसको एक सोशल स्टिग्मा, जिसको सामाजिक स्टिग्मा मानते हैं, उस वजह से वो हॉस्पिटल लेके नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों को यही संदेश है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसी बीमारी है जिसको अच्छे से ठीक किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए मरीजों को इधर उधर लेके घूमने की बजाय, कहीं तांत्रिक और जो गोपा के चक्कर में पड़ने की बजाय इसको तुरंत अस्पताल ले जाएं और अस्पताल में जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उससे इनका ट्रीटमेंट कराएं। इससे आप एपिलेप्सी से या मिर्गी के दोनों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत सारे मरीजों में सर्जरी के बाद ये बीमारी पूर्णतया या दवाइयों के बाद पूर्णतया ठीक भी होती है। तो इसके साथ ही मैं अपना जो